आधी रात में माँ की नींद खुल गई थी और बेटे को बहू के कमरे की बजाय अपने बिस्तर पर बच्चों की तरह आड़ा तिरछा लेटा हुआ पाकर आज फिर उसका दिल आशंकाओं से भर उठा था। बेटे के सर के नीचे एक तकिया लगा, उसके माथे को सहलाते हुए वह धीरे से बुदबुदाई, अब तू कुछ परेशान सा रहता है। नहीं माँ, शायद माँ के स्पर्श से बेटे की कच्ची नींद भी खुल गई थी और वह करवट ले माँ के करीब आ गया था। पिछले महीने पति के गुजर जाने के बाद अब उसे भी गहरी नींद कहाँ आती थी। रातें तो यूं ही आंखें मूंद हल्की झपकियों में ही कट रही थी, ऊपर से बेटे की यह बेचैनी। आजकल जाने कब तू मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है, बहू से नाराज है क्या? नहीं माँ, किसी अभोध की तरह माँ से लिपटने की कोशिश करता इस सवाल को भी वह टाल गया। माँ ने वही बिस्तर से सटे मेज पर रखे तांबे के लोटे से एक घूंट पानी पीकर लोटा वापस मेज पर रख दिया था और बिस्तर पर लेटने की बजाय एक तकिए का सहारा ले दीवार से अपनी पीठ टिका कर बैठ गई थी। फिर क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं माँ। माँ की गोद को छोटे बच्चे की तरह बाहों में भरने की कोशिश करता वह उसके हर सवाल को खारिज कर गया था। बेटा बता ना, तेरी बेचैनी देख मेरा दिल घबराता है। उसने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया था। माँ की घबराहट महसूस कर बेटे ने अब खुद सोने या माँ के सो जाने का इंतजार करना छोड़ पीठ के बल लेट माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में ले अपने सीने पर रख लिया था। माँ आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। अपने लिए अलग कमरे की जिद भी तो तूने ही की थी, माँ ने उसे याद दिलाया था। हाँ लेकिन तब आप मेरे सो जाने के बाद उस कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती, अक्सर मेरे बिस्तर पर ही सो जाया करती थी और सुबह मुझे अपने बिस्तर पर पाकर तू अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा करता था, याद है? सोई गहरी रात में माँ बेटे भूली बिसरी बातें याद कर रहे थे। हाँ याद है। अच्छा तो बता क्या पूछता था। सुबह की कही कितनी ही बातों को शाम तक भूल जाने वाले बेटे को बरसों पुरानी वह बात कहाँ याद होगी, यह सोच माँ मुस्कुराई थी। यही कि क्या आप पापा से नाराज हो? बेटे की अद्रुत याददाश्त क्षमता से रूबरू होती माँ का निस्तेज होता चेहरा अचानक एक अद्रुत मुस्कान के साथ कमरे की मदीम रोशनी में भी जगमगा उठा। हाँ पर बेटा तुझे ऐसा क्यों लगता था? आज वर्षों बाद शायद माँ भी शिद्दत से बेटे के मन की उस बात को जान लेना चाहती थी जिसे जानने की फुर्सत उसे आज से पहले कभी नहीं मिली। क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था, पिता को याद करते हुए बेटे ने अपने सीने पर रखे माँ के दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। बेटा मैं भी तुम्हें हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ, माँ ने झुककर बेटे का माथा चूमकर कहा। माँ तब आप पापा को कमरे में अकेला छोड़ मेरे पास क्यों आ जाती थी? बरसों बाद बेटा भी अपने मन की जिज्ञासा माँ के सामने रख रहा था। बेटा डर लगता था कि अकेले कमरे में कहीं तू डर न जाए। माँ अब जब पापा नहीं रहे मुझे भी डर लगता है। क्यों बेटा? माँ अपने बेटे का डर जानने को अधीर हो उठी। कहीं आप अपने अकेलेपन से डर न जाओ इसलिए मैं। इससे आगे वह कुछ कह ही नहीं पाया। माँ बेटा एक दूजे से लिपट गए थे और सारे शब्द आंसुओं में बह गए थे।